राधे राधे फ्रेंड्स, इस तरह से चीला बनाने में, चीला देखने में कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक लग रहा है, उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट और पौष्टिक लगता है। ये देखिए चीला कितना टेस्टी और कितना स्वादिष्ट है। तो चलिए आज हम बनाएंगे बेसन का चीला। बेसन का चीला बनाने के लिए हमने लिया है ये बेसन, ये करीब करीब 2.5 कप बेसन है, और ये है गाजर जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ये प्याज, इसमें मैंने 2 हरी मिर्च भी ली हुई है, मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, और ये शिमला मिर्च है, और ये है हरी धनिया। आज हम बनाएंगे बेसन का चीला जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक होता है। अब हम एक बाउल लेंगे और इस बाउल में हम ये बेसन को ऐड करेंगे। बेसन को ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसका गाढ़ा घोल बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम इसे जो है पतला नहीं करेंगे, क्योंकि पतला करने से हमारा जो है ये चीला तैयार नहीं होगा, फैलेगा नहीं अच्छे से, इसीलिए हम इसे थोड़ा गाढ़ा घोल ही बनाएंगे। तो देखिए हमारा घोल ये तैयार हो रहा है बेसन का। घोल बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें सारी सब्जियों को ऐड करेंगे। हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्च भी ऐड करेंगे, और अब ऐड करेंगे हम इसमें ये शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और ये गाजर ऐड करेंगे, और ये हम जो है हरी धनिया को भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इन सबको मिक्स करेंगे। ये हम इतना मिक्स करेंगे कि ये एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा। फ्लफ़ी होने के बाद हमारा चीला बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी भी बनता है। अब हम इसमें ज़रा सा पानी और ऐड करेंगे। ये देखिए एकदम ऐसा ही पेस्ट होना चाहिए चीला के लिए। इसमें हम ज़रा सा पानी और ऐड करेंगे। देखिए ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नमक को ऐड करेंगे। नमक हम स्वादानुसार ऐड करेंगे। पेस्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड, ये एकदम कितना अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसे जो है 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मैंने बेसन को खोल लिया है। ये देखिए हमारा बेसन कितना अच्छा सेट हो गया है। अब हम चलते हैं इसका चीला बनाने। चीला बनाने के लिए मैंने एक तवा रखा गैस पे, और तवा जो है मैंने हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है, और हाई फ्लेम पर गर्म होने के बाद अब मैं इसमें हल्का सा चारों तरफ तेल को ऐड करूँगी। तेल को मैं मिक्स कर लूँगी तवे पे। तेल को मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अपना चीला तैयार करूँगी। ये देखिए मैं इसमें अपना पेस्ट डालूँगी, और पेस्ट डालने के बाद मैं इसे तवे पे सेट करूँगी। तवे पे मैं इसे अच्छे से सेट कर दूँगी। ये देखिए इसे गोल गोल ऐसे सेट तवे पे सेट कर देते हैं। चीला मेरा सेट हो चुका है अच्छे से तवे पे। अब इसके चारों तरफ इस तरह से तेल को डालेंगे, और थोड़ा सा बीच में भी डालेंगे। आप चाहे तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बहुत टेस्टी लगता है चीला। और अब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे। ये देखिए कितना ब्राउन हो चुका है, और देखने में कितना टेस्टी और कितना स्वादिष्ट लग रहा है चीला।
इस तरीके से हम इसे धीरे धीरे दबा के पकाएंगे। चीला मेरा बन के तैयार हो चुका है, देखिए इस तरीके से हम इसे पका लेंगे। ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल के इस तरह से सर्व करेंगे। अब हम इस पे एक और डालेंगे, चीला ऐड करेंगे बनाने के लिए। आप चाहें तो कलछी वगैरह से भी इसे फैला सकते हैं अच्छे से, पर मुझसे हाथ से ही अच्छे से सेट होता है, इसीलिए मैं हाथ से ही इसे अच्छे से सेट करती हूँ। चीला बन के तैयार हो चुका है एकदम से। अब मैं इसे भी, ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी कितना स्वादिष्ट चीला बना हुआ है। और अब हम इसे चटनी के साथ, चीला बन के तैयार हो चुका है, कितना टेस्टी कितना स्वादिष्ट और कितना पौष्टिक लग रहा है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।